हेलो बच्चों, 10th क्लास एक नए लेक्चर के साथ आपका लेक्चर नंबर 3। और आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। तो पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ा था, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में उसका थोड़ा सा यूज करने वाले हैं ओम्स लॉ में। तो ओम्स लॉ में क्या है ऐसा कि उसको इतना फेम मिला, और क्या चीज है उसमें, उसके अंदर हम आपको कुछ बताने वाले हैं। देखो क्या होता है ओम्स लॉ में कि भाई ओम्स जो था एक साइंटिस्ट था, ठीक है। ओम्स नाम का क्या था, साइंटिस्ट था। और 1827 में इन्होंने स्टेटमेंट दी थी। क्या स्टेटमेंट थी वो देखो, ओम्स लॉ की अगर डेफिनेशन की बात करें, स्टेटमेंट की बात करें, डेफिनेशन तो क्या, स्टेटमेंट की बात करते, उसने कहा था जो वर्क आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जो करंट आपका है फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है आपका करंट किसी सर्किट में फ्लो करेगा। आपका कोई सर्किट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब आपका करंट फ्लो करता है तो उन दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, ये कहता है वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होगा। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहां पर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाती है जिसको हम कहते हैं R। इसको क्या कहते हैं, R। और R क्या होता है हमारा, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां पर V बाई R अगर करें तो करंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी, इसके नीचे आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके नीचे। तो ऐसे इसके नीचे आ जाएगी, V के नीचे। तो V बाई R किसके बराबर हो गया, करंट, करंट के बराबर हो गया। तो ये करंट जो है जब फ्लो करता है किसी सर्किट में तो आपको पता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम आर कह रहे हैं, ये आर क्या चीज होती है, ये देखो, आर होता है बच्चों रेजिस्टेंस। जो ये आपका आर है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस। आर होता है बच्चों रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोज ऑफ करंट होता है। जब करंट फ्लो करता है तो उसका अपोजिशन होता है, अपोज ऑफ करंट। फ्लोइंग करंट या फ्लोइंग करंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो करंट फ्लो होता है उसका अपोज करता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाते हैं उसके बीच में किसी भी चीज के द्वारा। जैसे कि किसी भी चीज का मतलब ये है कि भी उस कंडक्टर के अंदर जो एटम होते हैं उनके द्वारा। आपका ये कंडक्टर है और हर एक कंडक्टर की अलग अलग करंट फ्लो करवाने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आपका तांबा ले लो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड की ज्यादा होती है तो गोल्ड में ज्यादा करंट होता है। फिर हम नॉर्मली यूज करते हैं, लोहे में उतना नहीं होगा जितना तांबे में होता है, तो तांबे में करंट ज्यादा होता है। इसका मतलब जिसमें जितना ज्यादा करंट होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। मतलब ये कि ये करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है आपके रेजिस्टेंस के करंट। अब आप देखेंगे कि भी करंट जो है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इसके उल्टा है, बिल्कुल उल्टा दिख रहा है आपको। अगर मान लो आप करंट रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, मतलब अपोज करते हैं, कैसे अपोज होगा, जैसे कि ये कंडक्टर और इसमें ये एटम्स है, ये भाग रहे हैं, इसके खुद के एटम्स जो होते हैं जो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस रखते हैं अपने अंदर से। जब भी इसके अंदर से भागते हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड। जितना कंडेंस होगा एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, उसी कोलिजन की वजह से वो करंट जो है, करंट के जो चार्ज है वो फ्लो होने में दिक्कत मानते हैं, थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है। और उसी दिक्कत की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है बच्चों, वो वर्क करेंगे वहां से निकलने की कोशिश। जैसे कि आप ये लगा लो कि आपके सामने 50-100 लोग खड़े हैं और उनको, उनके बीच से आपको भागना हो तो आप भागेंगे तो आप फोर्स लगाएंगे, हट जाओ हट जाओ। तो जब फोर्स लगाते हैं तो आपके एनर्जी वेस्ट होती है, वही एनर्जी आपकी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा करंट के फ्लो होता है जब। तो वो रास्ते में जो लोग आपके बीच में थे वो एक प्रकार का रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, वो आपको आगे जाने नहीं देंगे। ऐसे ही करंट चार्ज को आगे बढ़ने में जो जो चीज रोकती है उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस कहते हैं।
क्लियर हो गया। तो इस तरीके से करंट फ्लो होता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाया, अगर आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो आपका जो करंट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपने करंट को बढ़ाया, देखो जैसे भी आपको दिखेगा कि करंट बढ़ गया तो उसका मतलब आपका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो गया है। जितना कम ओपोज होगा उतना करंट फ्लो होगा, जितना कम ज्यादा करंट होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। और यहां पर आप देखेंगे इन दोनों का रिलेशन देखेंगे, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। जितना वोल्टेज आप बढ़ाएंगे उतना करंट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल समानुपाती, उतना ही करंट बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा पुराने टाइम में होता था, अब तो नहीं होता, टीवी के ऊपर एक स्टेबलाइजर तो अब भी होता है लेकिन अब बढ़ाने वाला नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होता है। पहले होता था उसके ऊपर लिखा होता 100 वोल्ट, 200, 150, तो उसको जैसे ही आप बढ़ाते थे वोल्टेज बढ़ाते तो करंट भी बढ़ जाता था। उसका कारण यही था, करंट जो है आपका वोल्टेज के जितना आप उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जितना चार्ज आप उसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं, जितना उसमें एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करते हैं उतना ही करंट प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये है बच्चों, जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको कि, और इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट कैसे बनती है इसकी, ओम्स लॉ के अंदर यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट देखो कि यूनिट कैसे बनती है। तो यूनिट किसके बराबर होगी, जैसे आप करंट की अगर बात करें तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है, तो वोल्टेज करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो एक एम्पियर जो है वो एक वोल्ट बाय एक रेजिस्टेंस को कहते हैं ओम। रेजिस्टेंस को किस में मापा जाता है, ओम्स में। रेजिस्टेंस को किस में मापा जाता है, ओम पे। तो एक एम्पियर किसके बराबर है, एक वोल्ट बाय एक ओम। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसकी यूनिट को लिखा जा सकता है। इस तरीके से एक एम्पियर करंट का फल होगा जब एक वोल्ट वोल्टेज और एक ओम रेजिस्टेंस आपका होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ऐसे देखो ये इसका साइन बना रखा है मैंने, ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ओम को, ओम को लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब बात आती है इसके ग्राफ की, जब ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ के बारे में क्या क्या कैसे बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ के बारे में क्या करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जिसके अंदर यहां करंट लिया जाता है आई, जिसको हम कहते हैं करंट, और ऊपर लिया जाता है वोल्टेज वी, जिसको हम कहते हैं ऊपर लिया जाता है बच्चों वोल्टेज, वोल्टेज लिया जाता है। एक स्ट्रेट लाइन कैसे होती है, देखो आपकी बुक के हिसाब से एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इसमें 0.4, 0.8, 1.2, यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3। तो आप देखेंगे जहां पे ये पॉइंट मीट करते हैं, जहां पे ये पॉइंट मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हर अलग पॉइंट का जो मीटिंग पॉइंट है वो एक ही लाइन पर आ रहा है, एक कॉमन लाइन के ऊपर इनका मीटिंग पॉइंट आ रहा है। इससे क्या पता लगा, जो आपका करंट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, वी बाई आई के बराबर। मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हर बार बराबर होगा। मतलब ये कि मान लो 0.1 करंट एम्पियर करंट था और 0.4 वोल्ट अगर आपने उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, वोल्टेज दी, तो वो किसके बराबर हो गया, 0.4 वोल्टेज। देखो 0.4 आ गया वोल्टेज डिवाइड बाय 0.1 एम्पियर करंट, ये कैंसिल आउट होके 4 क्या आ गया, 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अगर किसी सर्किट में आप 0.1 एम्पियर करंट देते हैं और 0.4 उसमें वोल्टेज देते हैं तो 4 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो 0.2 0.1
8 डिवाइड बाय 0.2 करंट, ये वोल्टेज है ये करंट है, तो ये कितना आ जाएगा 24, 4 ओम का इसमें भी। तो जितना भी इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप बात करेंगे, मान लो ये पॉइंट यहां कर दो, इतना छोटा पार्ट बना दो, चाहे कोई भी पॉइंट बना दे ना इस लाइन के ऊपर, जितने भी पॉइंट हैं उन सब पॉइंट्स का रेशो सेम ही आएगा। अगर किसी वजह से इनका पॉइंट का जो ये रेशो है सेम ना आए, मान लो इनका पॉइंट का रेशो सेम नहीं आता है, इन दोनों पॉइंट का मीटिंग पॉइंट का रेशो सेम नहीं आता है, इसका मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ओम्स ने कहा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज इस करंट के, करंट वोल्टेज के, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात। जब ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देते हैं। और किसी वजह से अगर पॉइंट आगे पीछे होता, यहां आ गया, किधर भी आ गया, और स्ट्रेट लाइन नहीं दे, तो इसका मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। करंट जा सकता है बट ओम्स लॉ को फॉलो करता तब, तो बढ़ाएंगे करंट को, तो आपके पास एक रिलेशन है V इक्वल टू IR के बराबर। इसको ऐसा भी लिखा जाता है, आप लिख सकते हैं अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से, अपने मैनेजमेंट के हिसाब से। क्लियर हो गया? तो आज हमने किया ओम्स लॉ, क्या किया हमने, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का पर्पज यही था कि हमें करंट के बारे में पता होना चाहिए, वोल्टेज कैसे काम करता पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो आज का हमारा टॉपिक ओम्स लॉ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टाइम टेक केयर।